तो दोस्तों, अगर आप लोगों की वीडियो के ऊपर भी बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ व्यूज आप लोगों को मिल रहे हैं तो जो लोग आपकी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनसे मिल रहे होंगे, या फिर जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा उनकी तरफ से आप लोगों को व्यूज मिल रहे होंगे, या फिर आप लोगों को मिलने वाले होंगे तो वो आपकी वीडियो को फॉलो करते होंगे, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ व्यूज वहां से ही मिल रहे होंगे। और आप सभी जनों को यूट्यूब पर काम करते हुए काफी सारा समय भी यहाँ पर हो गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी जनों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो को सजेशन के अंदर लेकर के जा सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जनों को पता है, हम अपनी वीडियो को सर्च के अंदर ले जाना चाहते हैं, लेकिन सर्च के अंदर क्या दिक्कत हो जाती है, कुछ गिनी चुनी ही वीडियो वहां पर पहुंच पाती है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े काफी सारे क्रिएटर कंपटीशन के अंदर वहां पर आगे हैं और हम उनके इर्द गिर्द भी नहीं है। तो ऐसे में हम अपनी वीडियो को सर्च के अंदर पहुंचाएं, लेकिन हमारा उतना यहाँ पर बेस होना चाहिए, उतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, उतने व्यूज हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर आने चाहिए, तब जाकर के यूट्यूब भी हमारी वीडियो सर्च के अंदर पहुंच जाता है। क्योंकि छोटा क्रिएटर कितने भी अच्छे से एसईओ कर ले, एक घंटा दो घंटा तक उसकी वीडियो सर्च के अंदर रहेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिक यूट्यूब वहां से हटा देगा और यहीं पर एक नया क्रिएटर वीडियो बनाएगा, उसकी वीडियो जो है जैसे वो वीडियो बना करके YouTube के ऊपर डालेगा और जो है YouTube वहीं पर उसकी वीडियो फिक्स कर देता है और सर्च के अंदर भी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप सभी जनों को सहारा लेना पड़ेगा अपनी वीडियो के अंदर, वीडियो रिकमेंड का, वीडियो सजेशन का, साथ साथ में ब्राउज फीचर का। तो मैं आप सभी जनों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी वीडियो को रिकमेंड के अंदर कैसे लेकर के आ सकते हो, सजेशन के अंदर कैसे लेकर के आ सकते हो, वो भी बड़े क्रिएटर जो भी हैं उनकी वीडियो के नीचे आपकी वीडियो भी आना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट काम करने पड़ेंगे, वो क्या क्या काम है इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी जनों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलो, बिना किसी देर के अपन चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई चैनल के ऊपर पहली बार है तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इस तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जनों को क्या करना है, अपने मोबाइल फोन के अंदर YT स्टूडियो को कर लेना है ऑन, और YT स्टूडियो को ऑन करने के बाद में आपको क्लिक करना है एनालिटिक्स के ऑप्शन के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जब क्लिक करोगे तब आप लोगों के सामने इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा चैनल का एनालिटिक्स ओपन होने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जनों को क्या करना है, नीचे की साइड में आप लोगों को आना है, यहाँ पर लिखा होगा आपके चैनल के ऊपर की टॉप जो कंटेंट है वो कहाँ से यहाँ पर सजेशन किए गए हैं और कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ओवरव्यू के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर टॉप कंटेंट नाम की यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होने वाली है। तो मैं इस लिस्ट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी वो वीडियो आएगी जो चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखी गई है। तो नीचे से यहाँ पर सेकंड नंबर वाली जो वीडियो है, इस वीडियो के ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो मेरी वीडियो है 16,000 व्यूज़ यहाँ पर लेकर गई है, वॉच टाइम यहाँ पर 407 लेकर गई है, सब्सक्राइबर यहाँ पर 78 लेकर गई है और कुछ अच्छी खासी यहाँ पर थोड़ी बहुत अर्निंग भी इसने यहाँ पर कर रही है। इस वीडियो के हम यहाँ पर रीच की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 118,000.8 के यहाँ पर जो है लोगों के पास में यहाँ पर ये जा चुकी है। लेकिन 118,000 लोगों के पास में गई है और व्यूज सिर्फ लेकर के आई है 18,000 ही, यानी कि 1,00,000 लोगों के पास में वीडियो गई है लेकिन उन्होंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं करा और इसको यहाँ पर नहीं देखा। तो दोस्तों, जब हमने पता किया कि उन लोगों ने इस वीडियो को क्यों नहीं देखा, क्या यहाँ पर रीज़न रहे, और हमारी वीडियो के ऊपर जो 18,000 लोगों ने क्लिक करा है वो व्यूअर कहाँ से आए, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को पता चलता है कि ये वीडियो जो है सजेशन के अंदर से बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेकर गई है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पता करते हैं कि भाई सजेशन के अंदर ये वीडियो गई है तो वहाँ पर लोगों ने क्लिक करा है और कौन सी वीडियो के नीचे यहाँ पर आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं टॉप कॉन्टेंट यहाँ पर सजेशन दिस वीडियो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं एक वीडियो है, दूसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो है, चौथी वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये वीडियो हमारे सामने आ रही है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों, इसका यहाँ पर एड आता है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनी हुई है, इसको कर लेता हूँ यहाँ पर इस डेट को। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं योगी जी का चैनल है। इस चैनल के ऊपर जो है वीडियो सेम टू सेम इसी टॉपिक के ऊपर बनी हुई है और इस वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं मेरी वीडियो भी सजेशन के अंदर आई है। तो वहाँ पर जो लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो वीडियो 16K व्यूज़ आप लोग देख सकते हैं और इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो वहाँ पर बनी हुई है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो नीचे की साइड में मेरी ये वीडियो भी यहाँ पर यूट्यूब ने रिकमेंड करी है, सजेशन यहाँ पर करी है, तो काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो को भी यहाँ पर देखा है। तो मैं आप सभी जनों को बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो को यहाँ पर कैसे पहुँचा है। अगर आप लोगों को भी बड़े क्रिएटर की वीडियो के नीचे आपको पहुँचाना है
तो बड़े क्रिएटर के चैनल के हैशटैग्स आप लोगों को यहाँ पर कॉपी करने पड़ेंगे। तो आप सभी जनों को क्या करना है, जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है इस टाइटल के ऑप्शन पर क्लिक कर दो। जो व्यूज़ यहाँ पर बताए गए हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर वॉच टाइम बताया गया है, जो यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो से अर्निंग हुई उतनी उतनी अर्निंग आप लोग भी कर सकते हो, आपके चैनल पर भी इतने सब्सक्राइबर ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर जो कीवर्ड्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में बताए गए हैं, ये कीवर्ड्स आप लोगों एज इट इज़ कॉपी करने पड़ेंगे। आप लोगों को इनका जो टाइटल है कॉपी करना पड़ेगा, साथ ही साथ में जो वीडियो के टैग्स हैं वो आप लोगों को ऐसे ऐसे यहाँ पर कॉपी करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी वीडियो और ज़्यादा यहाँ पर जो है आएगी सजेशन के अंदर, जैसा कि मेरी वीडियो यहाँ पर आ रही है। अब मैं आप लोगों को नंबर दो चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, फिर से हम चलते हैं अपने YT स्टूडियो पर। अब सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन पर वीडियो बनी हुई है, इस वीडियो पर मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, आज संडे हूं, मैं हाजिर हूं। टेक्निकल योगी की वीडियो ओपन होती है और इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनी, और यहाँ पर भी जो मेरी वीडियो है सजेशन के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर शो हो रही है। तो इतना बड़ा क्रिएटर है, उसकी वीडियो के नीचे हमारी वीडियो आ रही है, लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्लिक यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी वीडियो को यहाँ पर लेकर के आओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी तगड़ा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। अब आप सभी जनों को यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर जो ऑडियंस है वो टेक्निकल योगी के चैनल की जो ऑडियंस है उनको जो देखती है वही ऑडियंस मेरे चैनल के ऊपर आती है, तो इस ऑडियंस को मुझे परमानेंट बनाना है, अपनी हर वीडियो के ऊपर व्यूज़ वगैरह लेने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम है कि टेक्निकल योगी चैनल के जो मेन हैशटैग्स हैं वो हैशटैग्स मुझे अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्निकल योगी और यहाँ पर हिंदी, इस तरीके से जो हैशटैग लिखे हुए हैं, जो वीडियो में क्वेरीज लिखी हुई है, जो टाइटल्स हैं, ये टाइटल मुझे अपनी वीडियो के अंदर परमानेंट बनाने होंगे, तब जाकर के मेरी वीडियो आएगी सजेशन के अंदर और मेरे को भर भर के यहाँ पर जो व्यूज़ मिलेंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ इसी तरीके से आप लोगों को अपनी हर वीडियो के अंदर ये काम यहाँ पर करना पड़ेगा और बड़े क्रिएटर की वीडियो के नीचे आप लोगों की वीडियो भी आना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको लाइव यहाँ पर एग्जांपल बताया है वो, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, तो आप लोगों को अच्छे खासे यहाँ पर जो है लाइक मिलेंगे, आप लोगों को सब्सक्राइब मिलेंगे, आप लोगों को व्यूज़ यहाँ पर मिलेंगे और आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तो आप लोग यहाँ पर अर्निंग भी अच्छी खासी यहाँ पर कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, आपकी वीडियो को सजेशन में पहुँचाना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों का काम यहाँ पर 100% बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो को सजेशन में ला सकते हो।